Shri Anandam Dham presents Guruji Shri Riteshwar Ji's Divine Discourse given at Shri Anandam Dham Shivri Narayan on 3rd of January 2017, Matri Sammelan. Anandam Dham ki, Anandam Dham ki, Prakat Mahotsav ki, Prakat Mahotsav ki. पति के जर्दा गुटका खाने से परेशान हूँ, हर प्रकार से बहुत कोशिश करती हूँ पर छुटा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? और बढ़ते जाते जाते। मेरे जीवन में कोई भी कार्य बड़ी मुश्किल से होता है, उन्नति के अवसर में अंतिम क्षण में रुकावट आ जाती है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। जब से जांजगीर में घर बना है तब से सही समय में कुछ नहीं हो रहा। नाम मत बोलो, बोलो नाम, 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 नाम आगे बढ़े। आपका कृपा मिले उस दिन से मुझे शांति मिला है, आपका जिस दिन से कृपा मिला है उस दिन से शांति मिला है। मैं अपने घर के उलझनों से हमेशा परेशान रहती हूँ, इसका क्या निदान हो सकता है? मुझे बहुत मन करता है कि मैं भगवान गुरु का हरदम ध्यान करूं, लेकिन पहले घर का काम खत्म करने लगती हूं और बस उतना ही पूजा ध्यान कर पाती हूं जितना करना जरूरी है, क्या करूं? गुरु जी, कभी 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 मैं बेटे से कुछ पूछती हूं तो उल्टा उल्टा जवाब देता है, मेरे मन का कभी नहीं समझता, इससे मन बहुत दुखी होता है। गुरु जी, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? जी गुरु, इसमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले दे दिया है। जिनके बेटे से, जिनका बेटा उनसे अच्छे से बात नहीं करता, वो शीतल ने मुझसे पूछा था, जवाब वही है। और एक अंतिम जवाब सबके लिए है, किसी से कोई आशा मत रखो। संसार आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो तो जीवन के बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। आशा रखोगी तो आशा हमेशा टूटता है, बेटा भी बुरा बन जाता है। कुछ मत चाहो, ऐसा मान के चलो कि ऐसा बेटा पैदा हुआ है कि मुझे जेल में बंद करवा देगा, मेरा जीना हराम कर देगा, और उसके बाद वो किसी दिन चॉकलेट लेके आ जाएगा तो तुम्हारे आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। पर पहले से सोच के बैठियो कि रसमलाई लाएगा, और खाली हाथ आ जाए तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए किसी से कोई आशा मत रखो। तुम्हारा काम था, तुमने बच्चे को जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, अब उसकी जिंदगी है। वो माँ को प्यार करना चाहता है, पत्नी को करना चाहता है, काम को करना चाहता है, संसार को करना चाहता है, वो उसके ऊपर छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी जियो और उसको अपनी जिंदगी जीने दो, होगा कुछ नहीं। तुम कहोगे कैसे छोड़ दूं, मेरा बेटा है, होगा कुछ नहीं, इतने साल बर्बाद हुए हैं, बची हुई जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, रोते रोते। और जिस दिन आशा छोड़ दो कि मेरी कोई आशा नहीं, उसी दिन ठाकुर खड़े हो जाएंगे। जिसने जीवन में सिर्फ कामकाज 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 अपनाया है वो राम काज नहीं कर सकता। हनुमान जी ने जीवन में राम काज अपनाया था, उनका कोई कामकाज बचा क्या दुनिया का? कोई काम हनुमान जी का बचा क्या? आप राम काज को मूल काज बना लो। बेटे में जितना दिल लगाते हो ना, उतना ही दिल लड्डू गोपाल में लगा लो। उनका श्रृंगार करो, उनके भोग लगाओ। लड्डू गोपाल की कृपा से एक दिन बिगड़ा हुआ बेटा भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने बचे हुए समय को अगर उनके पीछे लगाओगे, अगर लगाना है तो लगाओ, तुम मां हो, मैं मना नहीं करता, खूब लगाओ, लेकिन अपेक्षा रहित हो। फिर शिकायतें मत करो कि वो मेरी बात नहीं सुनता। तुम मां हो, तुम्हारा काम है उसकी सेवा करना, करो।
पर कोई अपेक्षा मत रखो। और तुम्हें लगता है कि नहीं अब नालायक के लिए कुछ नहीं करूंगी, बहुत कर दिया, तो आज ही छोड़ दो और लड्डू गोपाल की सेवा करो। मुझे विश्वास है, मैं देश में कई जगह जाता हूं और यही बात मैंने कही है। और ऐसी चिट्ठियां फिर एक साल के बाद आई, गुरुजी सब बदल गया, अब तो दौड़ा दौड़ा आता है, गले मिलता है, मम्मी क्या कर रही है बोल के, जबकि भरत के जैसा गाली देता था पहले। तो मैं तुम्हें कहता हूं, या तो मेरी बात मान लो गुरु रूप में, उसके तरफ से ध्यान हटाकर केवल उसका हित सोचा करो कि उसका हित हो जाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। हम अपने मन को नहीं बदल सकते, अपने बच्चे के मन को कैसे बदलेंगे? इस दुनिया में हम स्वयं को न बदल पाए तो पाएंगे? यही तो मूर्खता है, यही तो दुख का कारण है। मैं पुनः पुनः आप लोगों से यही कहूंगा, किसी ने कहा शरीर खराब है, ये शरीर तो जाएगा ही एक दिन, शरीर मुखी मत बनो, डॉक्टर जो कहता है इलाज करा लो और बाकी का समय लड्डू गोपाल के साथ लगाओ। बहुत शरीर खराब है, मतलब ठाकुर कह रहे हैं ये शरीर मैंने तुम्हें दिया था, अब शरीर बचा है जितने दिनों के लिए, मेरी सेवा कर लो, ठाकुर की सेवा करो। मैंने बड़े बड़े कोढ़ियों को ठीक होते हुए देखा है, फोर्थ स्टेज के कैंसर को ठीक होते देखा है। मेरा ही एक मित्र था, जब मैं हिमालय में साधना करता था, हम मस्ती करने के लिए दिल्ली आए थे उत्तराखंड से, और जांच करवाया, और उसकी उम्र 18 साल की थी और मैं 16 साल का था, और उसे फोर्थ स्टेज का कैंसर निकला। दूसरे हॉस्पिटल में चेक हुआ, वहां भी फोर्थ स्टेज का कैंसर निकला। फिर मुस्कुराते हुए हम हिमालय वापस आ गए, अपने गुरु की बात पर हमने साधना की। 40 दिन के बाद पुनः हम दिल्ली आए, पहला स्टेज भी नहीं बचा था। दो दो हॉस्पिटल में जांच हुए, डॉक्टरों ने कहा कोई गलत बोला होगा, आपको कैंसर था ही नहीं, कभी भी था जरूर, पर गुरु के ऊपर विश्वास और शरीर से लगाओ कम। बोला 18 साल तो हो गए गुरुजी का, इतना सेवा कर लिया, जाना होगा तो चला जाएगा, जितना दिन बचा है भी और साधना करूंगा, गुरुजी की सेवा करूंगा, और 40 दिनों में ठीक हो गए। इसलिए जो शरीर बचा है नमा, उससे ठाकुर जी की सेवा करिए, बहुत अपेक्षा मत रखिए पति से, बच्चों से, संसार से, रिश्तेदार से, जो मिल गया है उसे उनकी कृपा समझिए। किसी दिन पति आकर एक छोटी सी साड़ी दे दे, खुश हो जाइए, कितना प्यार करते हैं। पर आपने बनारसी की अपेक्षा लगा रखी थी, कम से कम तो 50,000 का जरूर लाएगा, और 42,000 का ले आया तो 8,000 का दुख हो जाएगा, फिर यही लड़ाई का कारण बन जाएगा। तुम सोच के ही रखो कि प्यार करते यही बहुत है, चीजों के लिए थोड़ी प्यार करती हूँ इनसे मैं, और आप हमेशा सुखी रहोगे। आपको लगेगा बहुत छोटी बात कर रहा हूं ना, आप मान के तो देखो, प्रैक्टिस करके तो देखो, बातें तो छोटी हैं पर जीवन में परिणाम बहुत बड़ा है। एक्सपेक्ट किसी से मत करना, जीवन में हर चीज एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस ही सुख है, एक्सपेक्टेशन ही दुख है। किसी से कोई आशा नहीं, मुझसे भी नहीं, मुझसे ज्यादा आशा करके बैठोगे बात ना करूंगा, बड़ा घमंडी है, एक दिन मिला बहुत बड़ा गुरु अपने आप को समझते हैं, मुझसे लड़ पड़ोगे, मुझसे दुश्मनी हो जाएगी, आशा मुझसे भी मत रखना। आज जो बैठे ना मेरे संग, इसी के लिए खुश रहना, अरे मैं तो कभी उनके लिए कुछ की भी नहीं हूँ, उनको मानती भी नहीं, फिर भी आज उनके मुख से कुछ अच्छी बातें को सुनने का अवसर मिला, धन्यवाद है उनका, प्रणाम है उनको, तब तुम मेरे ऊपर खुश रहोगे और मैं तुम्हें बहुत कुछ दे पाऊंगा। आशा लगा लोगे तो मुझसे दुख हो जाएगा और मुझे घमंडी समझ लोगे। और किसी के कोई सवाल बचे होंगे तो मैं अब हनुमान जी की कथा में आधे घंटे तक करूंगा, और यकीन मानो जिसका जो प्रश्न होगा मैं वही दे दूंगा, बिना पूछे तुम्हारे मन में जो प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं दे दूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।